ଏହି ମାସ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ 1309 ଗୋଟି ଷ୍ଟେସନର କିଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ତାହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ ରହିଛି ଆଜି ଏକ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲା ଓ ଏହାର 11 ଗୋଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରାଯିବ ଓ ଉନ୍ନତମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ନୂତନ ଭାବେ ଡିଆରଏମ୍ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଚ୍ଏସ୍ ବାଜୱା। ସାର୍, ପହିଲେ ତ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, କିଆ ହେ ମୋଟୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଯେଉଁ ବିସିମା ଆକାର ଇନାଗ୍ରେସନ କରେଙ୍ଗେ। जैसे आप लोग को सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक विजन है कि हमारे सारे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास हों, उसी के लिए ये एक स्टेप लिया जा रहा है कि 508 स्टेशन पूरे भारतीय रेल में एक ही टाइम में प्रधानमंत्री जी थ्रू वीसी करेंगे, उसका फाउंडेशन स्टोन लेंगे, का जो भी रीडेवलपमेंट हो रहे काम हो रहे हैं हमारे यहाँ खुर्दा स्टेशन में। उस 500 खुर्दा डिवीजन में 508 स्टेशन में 11 स्टेशन हैं, तो हमारे यहाँ भी 11 जगह पे फंक्शंस होंगे फ्रॉम 9:30 ऑनवर्ड्स, और 10:50 पे माननीय प्रधानमंत्री जी वीसी के थ्रू ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फाउंडेशन स्टोन का लेंगे। सर, रेलवे आगे बढ़ रहा है और मोदी जी तो प्रस्ताव दे रहे हैं और रेल मंत्री भी खुद भी आकर घूम रहे हैं, कितना डेवलप हो रहा है देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए तो उसका जीता जाता सबूत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी, और वो तो उड़ीसा से, उनका खास है, तो वो पूरा 11 स्टेशन 508 में हमारे यहाँ पे हैं और बाकी उड़ीसा के, और इवन आई थिंक 10 स्टेशन 11 स्टेशन संबलपुर डिवीजन में भी हैं। सो उड़ीसा के काफ़ी स्टेशन हैं इसमें और 500 सेकेंड फेज में बाकी भी कवर किए जाएंगे। सर, जो प्रोग्राम होगा 11 स्टेशन में, जो लोकल को लोकल का कुछ डिग्निटरीज हैं, उसके बाद भी लोकल जैसे हम खुर्दा में पाइक हुए, पाइक का स्वाधीनता संग्राम इधर हुआ था, वो पाइक को कुछ इन्वाइट करेंगे क्या? देखिए, हमने सारे जो अपने जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स या पद्मा वॉडीज हैं, जो और भी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, सबको इनवाइट किया है। खुर्दा डिवीजन तो एक बॉर्निंग एग्जाम्पल रह गया, उसके तरह ही सब स्टेशन होगा। खुर्दा रोड तो आपको बहुत अच्छा तरह बना है, इसके लिए आपको किसका श्रेय देना है? नहीं, इसमें सारे आई थिंक पूरी टीम को श्रेय जाता है और मतलब हमारे मंत्रालय को जाता है कि उन्होंने हैंड होल्डिंग किया, इनकरेज किया, और जो यहाँ की टीम थी, जो वहाँ के डीआरएम साहब थे, जीएम साहब थे, हमारी जो लोकल टीम, उन्होंने बहुत सारा अच्छा किया। जैसे मैंने बताया था कि खुर्दा मॉडल बनाया गया, खुर्दा की तरह जो स्टेशन डेवलप हुआ है, बाकी भारतीय रेल में भी सबको बोला गया आप उस तरह के स्टेशन डेवलप करिए। पैसेंजर के लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, पैसेंजर के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आपको सुविधा देना हमारा सबसे प्राइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी कार्य हम करेंगे, एंड जितना भी इम्प्रूवमेंट इन फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट इन कन्वीनियंस आप लोगों का, दैट वी विल ट्राई टू डू। थैंक यू। हमें आलोचना करते जो खुर्दा रोड नूतन डीआरएम जॉइन करते एचएस बाजाज सहित, तांकर जो लक्ष्य रही जी डिवीजन, जो रेल मंत्रालय नोटिस आछी डिवीजन रो 11 गोटी स्टेशन रो उन्नत और आधुनिक प्रणाली निर्माण करा जिवो, जहां समग्र देश पाई को उदाहरण पाटिबो।